नमस्ते, आपके साथ में हूँ जयप्रकाश शर्मा और एक बज चुका है एक बजने के साथ ही खबर उत्तर प्रदेश लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, जहां लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान। घर में घुसने वालों को जान से मार दो, आपसे हत्या नहीं होती तो मैं कर दूंगा, अपने ऊपर मुकदमा करवा लूंगा। बिजली विभाग ने मीटर चेकिंग के लिए चलाया है अभियान, कर्मचारियों के जबरन घर में घुसने की मिल रही है शिकायतें। तो आपको बता दें, बिजली विभाग ने मीटर चेकिंग के लिए अभियान चलाया और उसी पर ये बयान दिया है, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान कि घर में घुसने वालों को जान से मार दो, आपसे नहीं हत्या होती है तो मैं कर दूंगा, अपने ऊपर मुकदमा करवा लूंगा। बिजली विभाग ने मीटर चेकिंग के लिए चलाया अभियान, कर्मचारियों के जबरन घर में घुसने की मिल रही है शिकायतें। तुम अंदर थे? हाँ जी, मैं काम कर रहा था अंदर, एकदम से गेट ऊपर अंदर आए, ऊपर फैमिली रहती है, घर उनके साथ क्या किया, उनके नारी थी छोटी वाली। बिजली वालों की सूचनाएं आती हैं, मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि इन्हें बांध करके कूटने का काम करें। जो इस तरह के लोग आए, कॉलोनी के लोग संगठित हों, उनको पकड़ के वहाँ बैठा लें, क्योंकि इस तरह से यही नहीं पता चलेगा असली नकली कौन है। जब पकड़ के बैठा लेंगे, अगर वो नकली हुए तो पब्लिक उनको वहीं ऑन स्पॉट मार दे, उसमें जो कोई होगा मैं देखूंगा, अगर मुकदमा लगता मैं अपने ऊपर लगवाऊंगा। लेकिन कोई डकैत अगर किसी के घर में आ जाए और बहन बेटियों के घर में घुस करके, जैसा बताया कि उसको नहाती हुई एक बहन को उसको कुंडी लगा के बंद कर दिया गया, और ये बिल्कुल जो अराजकता की है, जिसने भी की है, ये जघन्य अपराध है। कॉलोनी के लोग अगर खुद मारने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला लें, उनकी हत्या मैं करूँगा। घर में घुसने वालों को जान से मार दो, आपसे हत्या नहीं होती तो मैं कर दूंगा, अपने ऊपर मुकदमा करवा लूंगा। ये लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान। पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। पीयूष, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर पहले भी विवादित बयान देते रहते हैं, फिर से एक विवादित बयान, ये क्यों देना पड़ा? क्या कोई बिजली विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही है जिससे लोगों को परेशान किया जा रहा है? देखिए, आपको बिल्कुल बता दूं, लोनी विधायक अपने विवादित बयान के चलते हुए सुर्खियों में तो हमेशा रहते ही हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, कुछ एक शिकायतें वहां जनता की तरफ से कुछ लोगों द्वारा की गई थी, तब लोनी विधायक वहां कॉलोनी में पहुंचे थे और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर वहां के लोगों ने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। इससे पहले भी लोनी विधायक बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उनको सख्ती से हिदायत देते हुए कि और वहां से लोनी में काम न करने के जैसे बयान के चलते उनका पहले भी वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अब ये हत्या करने जैसी बात। आप कुछ भी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम ऐसी बातें ना कीजिए जिससे कानून लोग हाथ में लेने को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हो और इस तरह की बात देने से बचना चाहिए। और इस मामला था कि बिजली कर्मचारी चेकिंग करने के लिए गए थे, वहां तमाम तरीके के पैसे रिश्वत मांगने जैसे आरोप लोगों द्वारा लगाए गए थे, उससे भड़के हुए लोनी विधायक का ये बयान सामने आया है जी। लेकिन अब इस तरह के, क्योंकि अब लाजमी है, जब इस तरह का एक जनप्रतिनिधि, इस तरह का बीजेपी का विधायक बयान देगा तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। पहले से ही कानून व्यवस्था के मसले को लेकर जहां योगी सरकार सख्त है, जहां अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना तो कहीं ना कहीं लोगों को उकसाना हुआ। बिल्कुल, देखिए यही सवाल एक मुख्य है जो इस बयान से निकल के सामने आ रहा है कि आप इस तरह के बयान देकर लोगों में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से चुन के आए, आपकी आवाज को जनता मानती है, तो कहीं वो इसको मानक ना मान बैठे, आगे से बिजली कर्मचारी कोई घर में आए और वो सही हो। देखिए, गलती बात नहीं की जाती है, लोनी विधायक कहीं ना कहीं सफाई में ये कह सकते हैं, मैंने ये उन बिजली कर्मचारियों के लिए कहा था जो अधिकृत नहीं है या फिर अनाधिकृत रूप से घर में घुस रहे हैं या रिश्वत मांग रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, इस तरह के तमाम सफाई विधायक की तरफ से कही जा सकती है। पर इस तरह से उकसाना कहीं ना कहीं ये बयान वीरता को दर्शाता है। बिल्कुल, इस तरह से लोगों को उकसाना एक गलत है, और वो भी एक जनप्रतिनिधि को बयान देना ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी के लिए। आगे